ठीक है, आगे भले ही तेजी रहे गोल्ड में, लेकिन आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है या अगले एक दो दिनों के लिए, तो उनके लिए शॉर्ट करने का मौका है गोल्ड में? मित्र जी गुड इवनिंग। देखिए लास्ट वीक गोल्ड करीबन $1830 के नीचे क्लोज हुआ था और अभी हम देखें तो $1833 चल रहा है अभी। और जिस तरीके से G7 की मीटिंग के बाद से आउटकम निकल के आ रहा है कि गोल्ड इंपोर्ट बैन होगा रशिया की तरफ से, बाकी सब कंट्रियाँ रशिया से गोल्ड परचेज नहीं करेंगी, तो एक माहौल जो है वो अगेन एक सेंक्शन वाला माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन को क्रिएट कर सकता है। हमने देखा था कि क्रूड में जब सेंक्शन लगे थे तो एक तेजी का माहौल बना था, तो मुझे लगता है कि सिमिलरली काइंड ऑफ थिंग गोल्ड में देखने को मिल सकती है। हालांकि गोल्ड अभी करीबन 50,850 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, खरीदारी की सलाह रहेगी। 50,700 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं समवेयर अराउंड $1825 के आसपास, तो वहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे खरीदारी करने के लिए। हमें लगता है कि ऊपर में 51,200-51,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मीन $1850 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो $1800 मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट वीक यूएस के डेटा खराब डेटा देखे थे और डॉलर में कुछ वीकनेस आती हुई दिखी, उससे एक सपोर्ट गोल्ड को आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि एक रेंज बना है 1800 नीचे में और 1870 ऊपर में, ये काफी टाइट रेंज गोल्ड पिछले 2 महीनों से फॉलो कर रहा है और हमें लगता है कि अभी ये रेंज फॉलो होते हुए दिखाई देगी। मगर जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की मार्केट देखने को